नोटबंदी में केंद्र सरकार ने कई मिलियन का घोटाला किया है, यह आरोप लगाया है जिला कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पवन ठाकुर ने। सुंदरनगर में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पवन ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार ने अपने चहेतों को सीधे तौर पर लाभ पहुंचाने की आड़ में यह नोटबंदी का निर्णय लिया है। जिला कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पवन ठाकुर का कहना है कि नोटबंदी में केंद्र सरकार ने कई मिलियन का घोटाला किया है। देश में विभिन्न बैंकों की 2.5 लाख के करीब एटीएम मशीनें नए नोट जारी करने से बेकार हो गई है, जिसमें नए नोट उक्त मशीनों के साइज के न होने की सूरत में पैसे की निकासी नहीं हो रही है। उन्होंने सुंदरनगर लोक निर्माण विभाग विश्राम गृह में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने अपने चहेतों को सीधे तौर पर लाभ पहुंचाने की आड़ में यह नोटबंदी का निर्णय लिया है, जिससे देश को कई मिलियन का नुकसान एटीएम मशीनों के ठप होने से हुआ है, क्योंकि वर्तमान में एक एटीएम की कीमत 25 से 30 लाख के करीब है। इस लिहाज से इसका बोझ भी अब आम जनता पर ही पड़ेगा। बंदी करने हम स्वागत करते हैं। आप जो आपने नोट जो देखो, इसके अगर बड़ी बड़ा तंत्र लगता है, धांधली का तंत्र, हमारे 2.5 लाख जो एटीएम है वो बर्बाद हो गए। क्यों बर्बाद हो गए? कि जो नोटों का साइज था वो छोटा और बड़ा किया गया, जैसे पहले बड़ा साइज होता छोटा कर दिया गया, खांचा नहीं था, तो 2.5 लाख जो है एटीएम जो है बर्बाद हो गए। एक एटीएम की जो कॉस्ट है वो 30 और 35 लाख है, अगर आप मल्टीप्लाई किया जाए कि 2.5 लाख से, तो एक मिलियन जो पैसों का है, मिलियन जो पैसों का है वो जो है घोटाला हुआ है, एक साजिश हुई है, किसी एक पर्टिकुलर आदमी को फायदा पहुंचाने के लिए इस तरह का किया। उन्होंने कहा कि इसके तहत जिला सुंदरनगर में पार्टी की जिला कार्यकारिणी 5 ब्लॉकों के अध्यक्ष के अलावा सभी अन्य अग्रणी संगठनों के मुखियों के साथ अहम बैठक करेगी, जिसमें पार्टी व सरकार की गतिविधियों के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा कि जल्द ही पार्टी जिला व ब्लॉकों में पर्यवेक्षक और इंचार्ज तैनात करेगी, जो कि पार्टी के कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों में एक कड़ी की भांति कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी को मजबूती प्रदान करने वाले पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं को संगठन में तरक्की प्रदान की जाएगी और पिछले काफी समय में पार्टी के उक्त ओहदे पर बैठे निष्क्रिय सदस्यों को जल्द ही हटा दिया जाएगा और नए चेहरों को उनकी जगह पर पार्टी का कार्य करने का अवसर प्रदान किया जाएगा, जिससे पार्टी को और भी बल मिलेगा। के चैनल के लिए सुंदरनगर से विजय शर्मा की रिपोर्ट।